नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट दिस वीक और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद निगम को लकड़पुर खोरी गांव के वन क्षेत्र में बने 10,000 घरों को उठाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते के भीतर इन घरों को खाली कराया जाए। अदालत ने कहा कि 6 महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश किया जाए और इसके बाद हम अनुपालन रिपोर्ट की सत्यता जांच करेंगे। फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक को निगम कर्मियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद निगम को लक्कड़पुर खोरी गांव के वन क्षेत्र में स्थित तमाम घरों को 6 हफ्तों के भीतर ढहाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हर हालात में वन क्षेत्र खाली होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का समझौता ना किया जा सकता। वन क्षेत्र में करीब 10,000 घर बने हुए हैं। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने फरीदाबाद निगम को 6 हफ्ते के भीतर किसी भी हालात में वन क्षेत्र में बने मकानों को ढहाने का आदेश दिया है। पीठ ने हरियाणा सरकार को निगम कर्मियों की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा है कि 6 महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश किया जाए, इसके बाद हम अनुपालन रिपोर्ट की सत्यता जांच करेंगे। पीठ ने साफ कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक को निगम कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा मुहैया कराने में कोताही होने पर SP जिम्मेदार होंगे। पीठ ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि वर्ष 2016 में हाई कोर्ट ने इस वन क्षेत्र में बने निर्माणों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इसे अंजाम नहीं दिया जा सका। इतना ही नहीं, पीठ ने ये भी कहा कि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने निगम को इन अवैध मकानों को ढहाने के लिए कहा था। इसके बाद दिसंबर 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोहराया था। पीठ ने कहा कि इतने आदेशों के बावजूद वन क्षेत्र को खाली नहीं कराया जा सका। पीठ ने कहा कि कहीं न कहीं इनमें निगम की उदासीनता दिखाई देती है। फरीदाबाद निगम की ओर से पेश वकील ने बताया कि ढहाने की कार्रवाई हुई है, लेकिन वहां के लोगों द्वारा निगम की टीम पर पथराव किए जाते हैं, लिहाजा उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा कराने का निर्देश दिया जाए, जिससे कि ढहाने की कार्रवाई को बिना किसी बाधा के अंजाम दिया जा सके। जिसके बाद पीठ ने हरियाणा सरकार से निगम टीम को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है। वहीं वन क्षेत्र में रह रहे लोगों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेज ने कहा कि कार्रवाई फिलहाल रोक दी जाए और वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास के मामले का निपटारा कर दिया जाए। पीठ ने साफ कहा कि पहले जगह खाली होनी चाहिए, उसके बाद इस याचिका पर सुनवाई होगी। पीठ ने कहा कि पुनर्वास का मामला नीतिगत है। कोर्ट ने अवैध रूप से वन क्षेत्र में घर बनाकर रह रहे लोगों से कहा है कि बेहतर होगा कि वो स्वयं घरों को खाली कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि गोद लेने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन गैर कानूनी है। कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करना कानून के विपरीत है, क्योंकि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की भागीदारी के बिना किसी बच्चे को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस अवैध गतिविधि में शामिल एजेंसीज और व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है
कि किसी भी एनजीओ को प्रभावित बच्चों की पहचान बताकर और उन्हें गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करके उनके नाम पर धन इकट्ठा करने से रोका जाए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश दिया, जिसे अदालत ने कोविड 19 से प्रभावित बच्चों की समस्याओं से निपटने के लिए शुरू किया था। नेशनल काउंसिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि कुछ बेईमान संगठन और व्यक्ति अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त हैं और धन की मांग के लिए सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। एडवोकेट शोभा गुप्ता ने एक संस्था वी द विमेन ऑफ इंडिया की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें लोगों को अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक विज्ञापनों और सोशल मीडिया पोस्ट को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उनमें से अधिकांश नकली हैं और किसी भी स्थिति में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA की भागीदारी के बिना किसी को भी गोद लेने की अनुमति नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया में इस तरह के पोस्ट के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 108 के तहत तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और ऐसे पोस्ट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रभावित बच्चों के हित में चल रही योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। पीठ ने कहा कि हम प्रभावित बच्चों के अवैध गोद लेने के बारे में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट शोभा गुप्ता की चिंता को साझा करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार करें। कोर्ट ने ये देखते हुए कि अधिकांश आबादी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों और अधिनियम के तहत घोषित कल्याणकारी योजनाओं से अवगत नहीं है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इसका व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को शारीरिक और स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा LGBT समुदाय से संबंधित लोगों के सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर यौन उन्मुखीकरण के चिकित्सीय इलाज करने या फिर बदलने के प्रयासों को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। वर्तमान मामले में न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश इस प्रकार हैं। माता पिता शिक्षक संघ की बैठकें माता पिता को LGBT समुदाय और लिंग गैर अनुरूप छात्रों के मुद्दे पर जागरूक करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि सहायक परिवारों को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज जीवन के सभी क्षेत्रों में LGBT समुदाय से संबंधित छात्रों को शामिल करने के लिए नीतियों और संशोधनों में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। LGBT समुदाय के बच्चों और वयस्कों के पक्ष में मद्रास हाईकोर्ट सामने आया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि थेरेपी के किसी भी रूप या तरीके में शामिल होने वाले संबंधित पेशेवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, जिसमें प्रैक्टिस का लाइसेंस वापस लेना भी शामिल है। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग करने वाली दो समलैंगिक महिलाओं द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि LGBT लोगों को एक कमजोर माहौल में नहीं छोड़ा जा सकता, जहां उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कोर्ट ने LGBT लोगों की सुरक्षा के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने स्वेच्छा से नैदानिक मनोवैज्ञानिक के साथ मनोशिक्षा सत्र किया और अपने पूर्वाग्रहों को दूर करने और समलैंगिक लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ बातचीत की। कोर्ट ने LGBT लोगों के मुद्दों को लेकर पुलिस, न्यायपालिका, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को कई दिशा निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति जिया स्वामीनाथन की एकल पीठ ने 2019 में निर्देश दिया कि इंटरसेक्स बच्चों की सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव भी जारी किए गए। पहला, लिंग गैर अनुरूपता वाले छात्रों के लिए जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। दूसरा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अकादमिक रिकॉर्ड पर नाम और लिंग का परिवर्तन किया जाए। तीसरा, प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा आदि के लिए आवेदन पत्र में M और F लिंग कॉलम के अलावा ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाना चाहिए। चौथा, LGBT कर्मचारियों को छात्रों के लिए काउंसलर की नियुक्ति की जाए और इनके द्वारा इनकी शिकायतों का प्रभावी समाधान प्रदान किया जाए।
सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक समर्थन के समन्वय से सभी स्तरों पर न्यायिक अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और LGBT समुदाय से संबंधित लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिए सुझाव सिफारिशें दें। LGBT समुदाय के खिलाफ होने वाले अपराधों से सुरक्षा और रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर नियमित अंतराल पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा। अदालत ने उनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। कोर्ट की ओर से नवनीत राणा पर 2,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने अब फर्जी सर्टिफिकेट को जमा करने के लिए कहा है कि ऐसे में अब उनकी सांसदी पर संकट है क्योंकि अमरावती लोकसभा सीट सुप्रीम कोर्ट के लिए आरक्षित थी। अमरावती से लोकसभा की सांसद नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाण पत्र को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पूर्व सांसद आनंद राव अड़सुल ने नवनीत कौर राणा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आनंद राव अड़सुल ने कोर्ट में दावा किया था कि उनका जाति प्रमाण पत्र जाली है। न्यायमूर्ति RD धानुका और न्यायमूर्ति VG बिस्ट की पीठ ने राणा को महाराष्ट्र विधेयक सेवा प्राधिकरण को जुर्माने के रूप में 2,00,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया और प्रमाण पत्र सरेंडर करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। अमरावती संसदीय सीट आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। नवनीत कौर राणा यहाँ से चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी। आनंद राव का आरोप था कि नवनीत कौर राणा ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी। एडवोकेट कोडे ने दावा किया कि ये दस्तावेज जाली है। दस्तावेज पर अलग अलग जगहों पर स्याही के अलग रंग का प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि खालसा कॉलेज के अधिकारियों ने सतर्कता सेल के अधिकारी का निरीक्षण करने से इनकार कर दिया और केवल उनके रजिस्टर की फोटोकॉपी दी। महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राणा 2019 में NCP के समर्थन से तत्कालीन शिवसेना सांसद आनंद राव अड़सुल को हराकर लोकसभा सांसद चुनी गई। कोर्ट ने कहा चूंकि प्रतिवादी यानी राणा ने फर्जी दस्तावेज पेश करके फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और जाति जाँच समिति ने फर्जी तरीके से उक्त जाति प्रमाण पत्र को मान्य किया, ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए और जब्त किया जाए। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरीके से धोखाधड़ी से प्राप्त प्रमाण पत्र को रद्द करने पर कानून के सभी प्रमाणों का पालन किया जाएगा। पीठ ने अंत में जांच समिति से कहा कि जाति प्रमाण पत्र को मान्य करने से पहले उसे अधिक सतर्क और सावधान होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 2012 में केरल के उन मछुआरों की हत्या के मामले में आरोपी दो इतावली नौसैनिकों पर भारत में चल रहे आपराधिक मुकदमे को बंद करने पर सहमत हो गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 10 करोड़ मुआवजा जमा कर दिया गया है और अब मंगलवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश पारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इटली द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपए की मुआवजे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की दो इतालवी मरीन मासिमिलानो लोटेरो और सल्वाटोर गिरोन के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाले आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस MR शाह की अवकाशकालीन पीठ को केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि पीड़ितों को संवितरण के लिए शीर्ष अदालत में 10 करोड़ रुपए का मुआवजा जमा कर दिया गया है। मेहता ने कहा कि कुल मुआवजे के बंटवारे पर फैसला करना केरल सरकार पर निर्भर है। इटली गणराज्य के वकील का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल की ओर से अवार्ड घोषित किए जाने के बाद दिल्ली की एक अदालत के समक्ष इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि इटली नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और केरल सरकार दोनों ने ट्रिब्यूनल के अवार्ड को स्वीकार कर लिया है। वहीं केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीड़ितों को उचित समय के बाद पैसा जारी किया जाना चाहिए। इटली गणराज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोहेल दत्ता ने पीठ से अनुरोध किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के अवार्ड के संदर्भ में दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आदेश पारित करें। SG ने पीठ को सूचित किया कि ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार आपराधिक मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र इटली के पास है, न कि भारत के पास।
पीठ ने सुनवाई के दौरान मुआवजे के बंटवारे और संवितरण को लेकर चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा कि वो पीड़ितों के बीच राशि के बंटवारे और उसके वितरण का फैसला करने के लिए केरल के उच्च न्यायालय को 10 करोड़ रुपए के मुआवजे के हस्तांतरण का आदेश दे सकती है। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि जब तक इस अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया था तब तक पीड़ितों के पास कुछ भी नहीं था। घटना के बाद राज्य में बहुत आक्रोश था, हालांकि वो अब संतुष्ट थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि धन को केरल हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है और हाईकोर्ट पीड़ितों को दी जाने वाली राशि के वितरण के पहलू की निगरानी कर सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को आदेश पारित करेगा। दो इतालवी नौसैनिकों मैसिमिलियानो लटोरे और सल्वातोर गिरोन पर 15 फरवरी 2012 को केरल के दो मछुआरों की हत्या करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया। सुनवाई के दौरान कृष्ण किशोर सिंह की दायर उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें एक्टर के जीवन पर बनने वाली फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुशांत सिंह की जिंदगी पर फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म न्याय द जस्टिस के खिलाफ याचिका दायर की थी और याचिका में सुशांत के पिता ने किसी को भी फिल्म में उनके बेटे का नाम या इससे मिलते जुलते नाम के इस्तेमाल को रोकने का आग्रह किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की एक अहम याचिका को खारिज कर दिया है। सुशांत के पिता ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि सुशांत की लाइफ पर बनने वाली फिल्मों और उसकी जिंदगी पर आधारित विभिन्न प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने राजपूत के पिता की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने अप्रैल में सुशांत के पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसमें सुशांत के जीवन पर आधारित किसी भी फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि हाल के समाचार लेखों और फिल्मों के प्रकाशनों के आलोक में सुशांत के निजी जीवन, नाम, छवि, व्यंग्य चरित्र, जीवन शैली को बायोपिक के रूप में दर्शाया गया है। दिवंगत अभिनेता के निजी जीवन का ऐसा कोई भी प्रकाशन, निर्माण या चित्रण निजता के मौलिक अधिकार का एक जबरदस्त और जानबूझकर उल्लंघन है जिसमें प्रचार का अधिकार शामिल है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस तरह की फिल्मों से जांच प्रभावित होगी और इसके साथ ही फिल्में सुनियोजित ढंग से बनाई जा रही हैं जिससे सुशांत की आत्महत्या के मामले में आरोपी व्यक्तियों को मदद मिल सके। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म न्याय द जस्टिस की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये फिल्म बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित है। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बेटे की लाइफ पर बन रही फिल्म या किसी भी अन्य फिल्म में उसके नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग के साथ ही न्याय द जस्टिस सुसाइड और मर्डर स्टार वॉज लास्ट शशांक और एक अनाम फिल्म का भी जिक्र किया गया है और ये वही फिल्में हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ पर बन रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और इसके बाद उनके इस मर्डर की आंच मुंबई पुलिस से होते हुए एनसीबी और सीबीआई तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट। तमिलनाडु में ऐतिहासिक पुरातत्विक महत्व वाले सभी संरचनाओं, स्मारकों, मंदिरों, प्राचीन वस्तुओं की पहचान, जीर्णोद्धार, मरम्मत कार्यों की निगरानी और उनके रखरखाव पर मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 17 सदस्यीय विरासत आयोग का गठन करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा है कि सरकार 2 महीने के भीतर 17 सदस्यीय विरासत आयोग का गठन करे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत अधिसूचित किसी भी स्मारक, मंदिर, मूर्ति, मूर्तिकला की कोई संरचनात्मक परिवर्तन या मरम्मत आयोग की मंजूरी के बिना नहीं होनी चाहिए। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य को 75 निर्देशों का एक सेट जारी किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में प्राचीन मंदिरों और प्राचीन स्मारकों का रखरखाव उचित ढंग से हो। 224 पन्नों के एक फैसले में जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस पी डी आदि केसवालू के खंडपीठ ने कहा
भव्य प्राचीन मंदिरों और प्राचीन स्मारकों के संरक्षक कम परेशान हैं और हमारी मूल्यवान विरासत किसी प्राकृतिक आपदा या विपदा के कारण नहीं बल्कि जीर्णोद्धार की आड़ में लापरवाह प्रशासन और रखरखाव के कारण बिगड़ रही है। कोर्ट ने प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों के रखरखाव के लिए पर्याप्त कार्य नहीं करने के लिए HR&CE और पुरातत्व विभागों की आलोचना की। कोर्ट ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि प्रमुख मंदिरों की आय के बावजूद HR&CE विभाग ऐतिहासिक मंदिरों और मूर्तियों के संरक्षण में सक्षम नहीं है, जिनके बाजार में उनकी उम्र के कारण एंटीक वैल्यू है। राज्य के कुछ मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कई मंदिरों में 2000 साल या उससे भी बहुत पहले निर्मित है और वे खंडर हो चुकी है। ना तो पुरातत्व विभाग और ना ही HR&CE विभाग ने उनकी पहचान करने और उनकी रक्षा करने में रुचि दिखाई है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि मंदिर की भूमि हमेशा मंदिरों के पास ही रहनी चाहिए और राज्य सरकार या HR&CE विभागों को दानदाताओं की रक्षा के विपरीत ऐसी भूमिका को अलग नहीं करना चाहिए या देना नहीं चाहिए। न्यायालय ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश पारित किए, जिससे हिंदू रिलीजियस एंड कल्चरल एडाउनमेंट एक्ट यानी HR&CE एक्ट के तहत मंदिरों के प्रशासन में व्यापक सुधार हो सके। अदालत ने अधिकारियों को मंदिर की जमीन पर लीज होल्ड और अतिक्रमण का जायजा लेने के भी निर्देश दिए। बकाया किराया वसूली और अतिक्रमण कार्यों को बेदखल करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। संरक्षित क्षेत्र, पुरातात्विक स्थलों, मंदिर की भूमि आदि के अतिक्रमण और अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाए। मंदिर के धन का उपयोग सबसे पहले उन मंदिरों पर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने HR&CE विभाग को मंदिर की संपत्ति के उचित ऑडिट के लिए भी निर्देश दिए। अदालत ने HR&CE एक्ट के तहत एक विशेष न्यायाधिकरण के गठन का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिग्रहण के लिए मंदिर की भूमि पर सार्वजनिक उद्देश्य सिद्धांत को लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि समुदाय के हित आम तौर पर ऐसी भूमि के साथ शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए गुड दिस वीक में फिलहाल लेते हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रही है पिन के साथ।